और चलिए अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश में बन रहे आर्थिक संकट की। एक तरफ जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुरुआत में बड़े बड़े वादे किए थे, बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, लेकिन अब उससे उलट कहानी वहां पर देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और उनके अधिकारियों ने ऐलान कर दिया है कि 2 महीने तक वो अपना वेतन नहीं लेंगे। रिपोर्ट देखिए। प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। 2 महीने तक ना पे लेंगे, ना टीए लेंगे, ना डीए लेंगे। करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में 8,500 रुपए आपको मिलेगा। थका थक अंदर। प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। 2 महीने तक ना पे लेंगे, ना टीए लेंगे, ना डीए लेंगे। पहले राहुल गांधी का खटाखट खटाखट ऐलान और अब सीएम से खूब पैसे न होने से परेशान। पहले जनता को सपने दिखाना और फिर खाली तिजोरी का बहाना। कुछ ऐसा ही हो रहा है हिमाचल प्रदेश में, जहां पहले तो राहुल गांधी लाखों करोड़ों रुपए बहाने की बात करते हैं, युवाओं, महिलाओं, किसानों को अलग अलग स्कीमें बताते हैं, लेकिन अब हकीकत निकल कर सामने आ रही है। कांग्रेस की सरकार में हिमाचल का हाल ये हो गया है कि सीएम सुक्खू, कैबिनेट मंत्री और बाकी अधिकारियों को अपने 2 महीने के भत्ते का त्याग करना पड़ रहा है। प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। 2 महीने तक ना पे लेंगे, ना टीए लेंगे, ना डीए लेंगे। जीएसटी कंपनसेशन जो है जून 2022 में, महज चुनावों के 5 महीने पहले ये जीएसटी कंपनसेशन मिलना बंद हो गया, जिससे प्रति वर्ष राज्य की ट्रेजरी को 2500 से 3000 करोड़ रुपए की आय कम होगी। जैसे ही हमारी स्थिति में सुधार हो रहा है, अर्थव्यवस्था में बहुत तेजी से सुधार हो रहा है, कभी 1 महीने ट्रेजरी कम होती है, 1 महीने ज्यादा आती है, और इस सुधार में हम बढ़ रहे हैं। सीएम सुक्खू ने तो साफ कर दिया है कि राज्य के पास पैसे नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर हिमाचल में ऐसी आर्थिक स्थिति बनी क्यों? दरअसल हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। राज्य का राजकोषीय घाटा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। हिमाचल के सीएम सुक्खू ने सदन में खुद इसके बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो साल 2023-24 में 8,058 करोड़ था, वो इस साल 1,800 करोड़ घटकर 6,258 करोड़ हो गया है। अगले साल यानी साल 2025-26 में ये 3,000 करोड़ और कम होकर 3,257 करोड़ ही रह जाएगा। मतलब साफ है, एक तरफ तो राहुल गांधी के बड़े बड़े वादे, खटाखट खटाखट पैसे बांटने की बातें, तो दूसरी ओर प्रदेश की आर्थिक स्थिति जो राहुल गांधी के वादों पर सवालिया निशान लगा रही है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर कब तक हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति अपनी पटरी पर लौटेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक भारत।